पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर हमले का मामला भी आज दिल्ली विधानसभा में खूब गूंजा, कुछ इस कदर कि शुरू में 20 मिनट तक विधानसभा की कार्रवाई तक शुरू नहीं हो पाई। बीजेपी के चारों विधायक स्पीकर के आसन के सामने अड़ गए। उनका कहना था कि इस हमले को लेकर बधाई प्रस्ताव पास हो। उधर आप सरकार के विधायक तो लगातार भारत माता की जय के नारे लगाते रहे, लेकिन प्रस्ताव पास करने में सरकार को ऐतराज दिखा। सारा झगड़ा इस बात का था कि बीजेपी हमले का क्रेडिट सेना के साथ नरेंद्र मोदी को भी देना चाहती थी, लेकिन आपको इस पर ऐतराज था। बाद में बीजेपी के विधायक गले में तख्तियां लटकाए बाहर निकल आए। आज पूरा देश प्रफुल्लित है, लेकिन केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको सांप सूंघ गया है। वो चुप बैठे हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी ट्वीट के जरिए बधाई दी सेना को। जी, हम चाहते थे सदन में बधाई दें, ट्वीट से नहीं होती है। अंदर तो मैंने सुना नारेबाजी हो रही थी, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, सभी लगा रहे थे। नहीं, हमने यही कहा कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब हमारा कॉमन एजेंडा, हम सबके लिए खुशी का मौका है। और अगर हम एक बधाई पत्र, बधाई संदेश लाए हैं संदेश में, और अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं विपक्ष। बट वो क्रेडिट जो था भारतीय वायुसेना का, उन सैनिकों का क्रेडिट आप सोचिए जो अपना पूरा परिवार छोड़ के रात को उस वायुसेना के जहाज़ों के अंदर उस खतरे में, मौत के मुँह में जाके जो लड़ के आए हैं, उनका क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को देना चाह रहे हैं जो पूरे कपड़े पहन के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो ये तो मतलब कि मुझे लगता है कि बहुत बेईमानी है उन सैनिकों के साथ, कि उनका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री अगर चुराना चाहेंगे तो वो हम अपनी विधानसभा में तो नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को पुलवामा हमले का मुंहतोड़ जवाब देना गर्व की बात है, लेकिन इसको लेकर सियासत हो, इससे गलत बात कुछ भी नहीं हो सकती।